हे दोस्तों, हॉनेस्टा के अंदर 5 प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और जानता हूँ वीडियो लेट हो गई है तो सॉरी। तो अब से रेगुलर वीडियोस आने वाली है तो बिना स्किप करिए वीडियो पूरा देख लेना। न्यू इमोजी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फॉन्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, एरर आता है, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, रील कैसे डाउनलोड करें वो नहीं पता। तो सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी वीडियो में, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले हॉनेस्टा में न्यू इमोजी इनेबल करने के लिए आपको एक फोन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, सीधा मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना है एंड पासवर्ड आगे आपको बता दूंगा, ध्यान से वीडियो को देखो। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोन आपको मिलेगा। अब आपको हॉनेस्टा में आना है और यहाँ से आपको पर सेटिंग पर जाना है। उसके बाद आपको थीम यूआई पर जाना है और यहाँ से आपको इमोजी टाइप पर जाके iOS 16 इमोजी को पैक को डाउनलोड करना है। अब थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर से जेड आर्चिवल डाउनलोड कर लेना है, काफी लोगों के फोन में ऑलरेडी होगा इंस्टॉल। उसके बाद आपको डाउनलोड के फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ से आपको हॉनेस्टा के फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाना है। अब यहाँ पे आपको सर्च के पास में आपको 3 लाइन पर जाना है। इसके यहाँ पर आपको एक हिडन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद हॉनेस्टा के फोल्डर में फोन का फोल्डर शो हो जाएगा। अब आपको मैंने जो फोन दिया है उसको यहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैंने जो फोन दिया उसको कॉपी करके आपको ये वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपको रिप्लेस ही कर देना है। तो समझ गए होगे, तो नहीं समझे तो एक और बार देख लो वीडियो को। अब आपको हॉनेस्टा के अंदर न्यू iOS इमोजी इनेबल हो जाएंगे, तो चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हॉनेस्टा के अंदर मेरे न्यू इमोजी वर्क कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको नहीं समझ पड़ी तो एक और बार थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना, थोड़ा सब्र रखना, बहुत सारे मैसेज होते हैं तो सभी के मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। और अगर मेरे से आपने बात करी हुई है तो कमेंट तो कर ही देना ताकि पता चले कि सभी को रिप्लाई देता हूँ। तो अब बात करते हैं iOS फोन पर जो एरर आता है उसको कैसे ठीक करें। तो देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ये प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए ही होती है। एक दो बार आप डिलीट करके वापस से रीइंस्टॉल करोगे तो भी हो जाता है, और फिर भी नहीं होता तो आपको फोन दिए है उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर देना है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, तो ये रहे फोन, तो इसको आपको यहाँ पे कॉपी करके अलग फोल्डर में पेस्ट कर देना है। फिर आपको हॉनेस्टा ओपन करके ट्राई करना है, फोन ऐड करना है, तो हो जाएंगे। और फिर भी नहीं होते तो फोन को अलग अलग लोकेशन पे डालकर आपको एक एक फोन को अलग अलग फोल्डर में डाल के फिर ट्राई करना है, तो भी हो जाएगा। और फिर भी नहीं होता तो ट्राई करते रहना, तो हो जाएगा। मेरा प्रॉब्लम ऐसा हुआ था, मैंने बार बार ट्राई किया तो फोन ऐड हो गए। बस आपको जो फोन है उसकी लोकेशन चेंज करती रहनी, अलग अलग फोल्डर में इसको डाल देना है और फिर ट्राई करना है, हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि हॉनेस्टा इंस्टॉल नहीं होता है, कंट्री नॉट अवेलेबल बता देता है जब इंस्टॉल करने जाते हैं। तो उसके लिए आपने जो कीबोर्ड में iOS इमोजी इनेबल किए होंगे तो वहाँ पे आपको जो है म्यांमार गया होगा, सपोर्ट डाई कैरेक्टर से आप जब करते हो तो वहाँ पे म्यांमार करना होता है, तब आपका सपोर्ट डाई कैरेक्टर ओपन होता है। तो जो आपने म्यांमार होगा तो वहाँ पे आपको इंडिया कर देना है। उसके बाद आप ट्राई करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, एंड इंस्टॉल होने के बाद आप बाद में यहाँ पर आप म्यांमार भी कर सकते हो। और उसके बाद मुझे ज़्यादातर कमेंट यही आती थी कि हम पोस्ट रील कैसे डाउनलोड करें, कोई भी ऑप्शन नहीं आता हॉनेस्टा में। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको टॉप पे ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जाना है और पोस्ट में भी सेम वही करना है, बहुत ही आसान है डाउनलोड करना, ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये वीडियो को लाइक कर दो और पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी सब ट्रिक्स बताता रहता हूँ। और कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सभी की कमेंट देखता हूँ। और फुल iOS इंस्टाग्राम यूज़ करना है तो मेरी ये वीडियो देख लो। बाय।